सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि अशोक वाटिका में सीता जिस शिला पर बैठी थी उसे श्रीलंका एयरलाइंस से अयोध्या पहुंचा दिया गया। वीडियो में योगी आदित्यनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कुछ नेताओं को देखा जा सकता है। एक ट्विटर यूजर ने ये वीडियो इसी दावे के साथ ट्वीट किया है जिसे 3 लाख से ज्यादा व्यूज मिले हैं। तो क्या ये खबर सही है कि अशोक वाटिका ने अयोध्या राम मंदिर को एक शिला भेंट की? हालांकि ये खबर तो सही है कि अशोक वाटिका से लाई गई शिला अयोध्या राम मंदिर को दान में दी गई है। ANI ने 28 अक्टूबर को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के हवाले से बताया था कि श्रीलंका के उच्चायुक्त मिलिंडा मोरागोडा की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल ने ये शिला राम मंदिर को दान की, लेकिन शेयर किया जा रहा वीडियो इससे जुड़ा नहीं है। 20 अक्टूबर की द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर योगी आदित्यनाथ ने श्रीलंका से आए बुद्ध के धातु अवशेष प्राप्त किए थे। ये उसी का वीडियो है। इसके साथ वीडियो में पत्थर जैसा कुछ नहीं दिख रहा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी इस मौके की कुछ तस्वीरें 20 अक्टूबर को ट्वीट की थी जो कि वीडियो से मेल खाती है। ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि श्रीलंका से बुद्ध के पवित्र धातु अवशेष पहुंचने पर एक औपचारिक पूजा की गई थी और बौद्ध भिक्षुओं के आगमन पर उनका स्वागत किया गया। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम ने भी इस धातु अवशेष की तस्वीर शेयर की है। यानी ये वीडियो अशोक वाटिका द्वारा दान में दी गई शिला का नहीं है, बल्कि वीडियो में श्रीलंका से आए बौद्ध अवशेष और बौद्ध भिक्षुओं का स्वागत किया जा रहा है।